नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू होने के बाद से ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के पास तो जमकर हिंसा देखने को मिली। इस विरोध प्रदर्शन और हिंसा की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, तो वहीं इस हिंसक प्रदर्शन पर अब जमकर सियासत भी होने लगी। एक तरफ तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है, तो वहीं आपके ही बागी नेता और कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास के इलाकों में जमकर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई, जिनमें चार बसें भी शामिल थी। इस हिंसा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनमें से एक वीडियो ऐसा था जिसमें पुलिसकर्मी कैंट में कुछ भरकर बस के अंदर फेंक रहे थे। इसी घटना की तस्वीरों के आधार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बसों में आग दिल्ली पुलिस ने लगाई थी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, चुनाव में हार के डर से बीजेपी दिल्ली में आग लगवा रही है। आप किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है, ये बीजेपी की घटिया राजनीति है। इस वीडियो में खुद देखें कि किस तरह पुलिस के संरक्षण में आग लगाई जा रही है। एक और ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा, ये फोटो देखिए, देखिए कौन लगा रहा है बसों और कारों में आग। ये फोटो सबसे बड़ा सबूत है बीजेपी की घटिया राजनीति का। इसका कुछ जवाब देंगे बीजेपी के नेता। इस ट्वीट के जरिए सिसोदिया जहां पुलिस और बीजेपी पर आगजनी करने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने पुलिस पर बस में आग लगाए जाने के आरोप को झूठा बताते हुए कहा, ये पूरी तरह से झूठ है। जब भीड़ आग लगा रही थी तो पुलिस ने वहां के लोगों से पानी मांगकर आग बुझाने का प्रयास किया। जहां तक विशेष बस का सवाल है, पुलिस ने बोतल के पानी का इस्तेमाल कर उसे बचाया। पत्रकार राहुल कंवल ने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया को ट्वीट करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी आग लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जिस बस में आग लगाई है वो यार्ड में सुरक्षित है, हालात पहले से ही खराब है। ऐसे में नेताओं को फर्जी खबर नहीं फैलानी चाहिए। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, आदतन कमीनेपन को लागू करने के लिए फिर एक बार अपने उसी अमानती गुंडे का इस्तेमाल, नस नस से वाकिफ हूं बोने। पता है कि अपनी टुच्ची सी कुर्सी व सत्ता के लिए देश, सेना, जनता, सिद्धांत, बच्चे, दोस्त, माँ बाप कुछ भी दांव पर लगा सकता है। दिल्ली को आग में झोंकने वाले वक्त तेरा हिसाब करेगा। एक और ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, देश के भविष्य की किलकारियों से भरे आंगनों में जहर बो रही सियासत को अंदाजा तक नहीं कि उनकी इस बेशर्म खेती से इस देश का, मनुष्यता का और वक्त का कितना गहरा नुकसान हो रहा है। अतीत बाहरी लोग लूट ले गए, वर्तमान शंका से भरा हुआ है ही, कम से कम भविष्य को तो बख्श दो राजनीतिक भेड़ियों। फेक तस्वीर पोस्ट कर मुश्किल में घिरे मनीष सिसोदिया पर जहां हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस के संरक्षण में कथित तौर पर एक बस को आग लगाने वाला फर्जी वीडियो साझा किया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के ऑफिस पहुंचकर उप मुख्यमंत्री और अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं। साथियों, बताइए चुनौती दूं या ना दूं? आपके आशीर्वाद है ना, ये वीरों की भूमि से आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें,
अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें, कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करे कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है, तो वो ये भी खुल करके घोषणा करें कि तीन तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दे। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि वो देश के युवाओं को बर्बाद करने के ये खेल खेलना बंद कर दे। किसी का भला नहीं होगा, देश के उज्जवल भविष्य का भला नहीं होगा। जिन मां बाप ने काली मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, उन मां बाप के सपनों को तहस नहस करने का पाप अपनी राजनीति के लिए मत करो। देश देख रहा है कैसे बहुत सफाई से कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, नागरिकता संशोधन कानून, CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे मुद्दों को उछाल करके, उसके पीछे छिप करके डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गंदी राजनीति को हवा देने शुरू कर दिया है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, भारत की सरकार का एक ही पवित्र ग्रंथ है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया हुआ भारत का संविधान, यही हमारा ग्रंथ है। हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि है, एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है, एक ही हमारा मंत्र हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, और वो मंत्र है भारत माता की जय। हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय इस मंत्र को लिए जी रहे हैं, जूझ रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं। इनके दायरे में लिए गए हर फैसले के साथ मां भारती के कल्याण के लिए, मां भारती के जय जयकार के लिए लिए गए हर फैसले के साथ ये आपका सेवक खड़ा रहेगा।